हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सिंघाड़े की बहुत ही चटाकेदार चटपटी सी चाट। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं एक कुकर लिया है और इसमें पानी गर्म करने रख दिया है। और यहाँ मेरे पास आधा किलो के करीब जो है सिंघाड़े हैं जिन्हें मैंने अच्छे से धो लिए हैं। तो सबसे पहले मैं इस पानी में आधा चम्मच के करीब नमक ऐड करूँगी और इसके बाद ये सारे सिंघाड़े जो है मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इन्हें जो है एक सीटी आने तक मैं बॉईल कर लूंगी। और अब हम इसे उबाल लेते हैं और आगे का प्रोसेस मैं बाद में आपको दिखाती हूँ। तो जैसे ही इसमें एक सीटी आएगी हम गैस को बंद कर देंगे। कुकर में एक सीटी आ गई है और अब मैं इसकी स्टीम को निकाल दूंगी। और अब मैं कुकर का ढक्कन खोल दूंगी और इन्हें जो है ठंडा होने के लिए मैं एक टोकरी में इन्हें डाल के रख दूंगी और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सिंघाड़े हमारे पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं, अब हम इन्हें छील लेंगे। बहुत इजीली ये छिल जाते हैं, ये देखिए। इसी तरह से मैं सारे छील लूंगी और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने ये सारे जो हैं हमारे सिंघाड़े छील लिए हैं। अब मैं इन्हें एक बॉल में ट्रांसफ़र कर दूंगी और इसमें मैं 2 से 3 चम्मच ये हरी चटनी ऐड करूंगी। आप कम तीखा खाएंगे तो चटनी की क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी, चटनी में भी नमक है इसलिए हम थोड़ा सा कम ही ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें चाट मसाला ऐड करूंगी। थोड़ा सा मैं इसमें काला नमक ऐड करूंगी। थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा ही डाला है। और आधा नींबू का रस इसमें मैं ऐड करूंगी। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने अच्छे से मिला दिए हैं और अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी सिंघाड़े की बहुत ही चटपटी चटाकेदार चाट। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपीज पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।